तो मैं आपको बता रहा था पहले कि कुछ दिन पहले मैं क्लास में आ रहा था और रास्ते में मोहित एडमिशन के लिए आया हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं तो क्लास में जा रहा हूँ, आप लेट हो गए। कहता सर प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने PIQ फॉर्म देखा और जल्दी जल्दी दो चार सवाल पूछे और जल्दी जल्दी इसको बताया कि तुम पहले पहले कितनी बार गए थे। मैं कह रहा सर 5 बार मैं जा आया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। तो मैंने जब दो चार सवाल पूछे, पूरा PIQ स्टडी किया और सवाल के जवाबों के बाद मैंने कहा तुम्हें तो बहुत पहले सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आर्मी में गया, नेवी में गया, एयरफोर्स में गया, तीनों जगह सेलेक्ट हो गया एक के बाद एक, और अभी ज्वाइन करने वाला है। तो ये खुद ही आपको बताएगा। ये यहाँ पे आके आपसे बात करने का मकसद क्या है, जो आपसे बात करनी है और जो लोग देखेंगे वीडियो। ये भी मुझे बता रहा था कि इसका एक साथी था जो 11 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो कहने लगा मैंने उसको वही बात जो यहाँ पे मैंने सीखी है वो उसको बताई और वो सिलेक्ट हो गया। वो बार बार रिजेक्ट होता था, वो क्यों?